हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस सेशन में हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट रूल एक्शंस के बारे में। तो लास्ट सेशन में हमने ट्रांसपोर्ट रूल कंडीशंस और उसके बाद ट्रांसपोर्ट रूल एक्सेप्शंस के बारे में जाना और ये भी समझा कि वो किन प्रेडिकेट्स को यूज करके ईमेल मैसेजेस को एग्जामिन कर सकते हैं। और इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट रूल एक्शंस। ट्रांसपोर्ट रूल एक्शन उस एक्शन को डिफाइन करता है जो ईमेल मैसेजेस पर अप्लाई होगा अगर उस मैसेज पर सभी ट्रांसपोर्ट रूल कंडीशंस मैच करेंगी और एक भी, वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी एक्सेप्शन मैच नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में ट्रांसपोर्ट रूल एक्शन तभी अप्लाई होगा जब वो मैसेज जिसे एग्जामिन किया जा रहा है वो सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है और उसमें एक भी ऐसी ट्रांसपोर्ट रूल एक्सेप्शन नहीं है जो उस मैसेज से मैच कर रही हो। एक बार सभी कंडीशंस मैच हो जाने के बाद और एक भी एक्सेप्शन मैच ना होने के बाद ट्रांसपोर्ट रूल एक्शन मैसेज को रिजेक्ट, डिलीट या रीडायरेक्ट भी कर सकता है या फिर नए रेसिपिएंट्स को ऐड कर सकता है। मैसेज हेडर में प्रीफिक्स ऐड करना या मैसेज बॉडी में डिस्क्लेमर्स या पर्सनलाइज्ड सिग्नेचर्स इंसर्ट करने जैसे काम भी ट्रांसपोर्ट रूल एक्शन परफॉर्म कर सकता है। या दूसरे शब्दों में कहें, ये वो एक्शंस हैं जो एक मैसेज के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं जो सभी ट्रांसपोर्ट रूल कंडीशंस को मैच करता है और जिसमें एक भी ट्रांसपोर्ट रूल एक्सेप्शन नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट रूल एक्शंस को देखने के लिए हमारे पास एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल का एक कमांडलेट है, get-transport-rule-action। चलिए एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल के ऊपर जाकर इस कमांड को रन कर देखते हैं। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस एक्सचेंज सर्वर पर आ गया हूँ जिसके ऊपर हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल इंस्टॉल्ड है और यहाँ आकर मैं एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे कमांड एंटर करता हूँ get-transport-rule-action और एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जो वैलिड एक्शंस एक मैसेज के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं जो सभी कंडीशंस को मैच करता है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इनमें से भी बहुत सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे कि कॉपी टू, ब्लाइंड कॉपी टू जो सीसी का काम करती है, एड टू रेसिपिएंट, रिजेक्ट मैसेज, डिलीट मैसेज, रीडायरेक्ट मैसेज जैसे एक्शंस एक मैसेज पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। इनकी डिटेल्स जानने के लिए हम इसी कमांड के साथ पाइप लगाकर FL या फॉर्मेट लिस्ट टाइप कर एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए लिस्ट फॉर्म में इन सभी 15 एक्शंस को आपके सामने दिखाया गया है और उसकी डिटेल भी आपके सामने आ रही है कि डिलीट मैसेज एक्शन जो है वो डिलीट द मैसेज विदाउट नोटिफाइंग एनीवन एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो इस सेशन में हमने ट्रांसपोर्ट रूल एक्शंस के बारे में जाना और गेट ट्रांसपोर्ट रूल एक्शन कमांड को यूज करके क्या क्या ट्रांसपोर्ट रूल एक्शंस हो सकते हैं उसे भी देखा। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।